गुड इवनिंग एवरीवन, फिजिक्स विद पीके स्वामी में सभी का स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग, राम राम सभी को। सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। बेटा शेयर करना, बेटा थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से 7-8 मिनट देरी से क्लास शुरू हो पा रही है, पर फिर भी अच्छा है, हम क्लास शुरू कर रहे हैं। बेटा शेयर करना, बेटा लिंक को सभी शेयर कर देंगे ताकि सभी स्टूडेंट क्लास से जुड़ पाए। शेयर कर दीजिए बेटा। काफी कम स्टूडेंट आए हैं आज, तो कल से भी काफी कम है बेटा। ऑफिशियल विकास, प्रीतम कुमार, सलोनी गोस्वामी, सुशीला टाक, खुशबू, प्रीतम, डॉक्टर कृष्ण राड, अनसैया, दिनेश कुमार, प्रीतम, सुरेंद्र कुमार, अल्ताफ खान, रूबी, पायल सुथार, मिस्टर जावेद, आशीष, अरमान चौहान, सलोनी, डेविल गोदारा जी, सुशीला। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं बेटा आज की क्लास को। शेयर करना बेटा, सभी शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट क्लास को अटेंड कर पाए। बेटा बहुत ही अच्छा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हम, किरण प्रकाशी की, चैप्टर 9 एनसीईआरटी आरबीएससी क्लास 12th। कल हमने पढ़ा था सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी कल हमने बात की थी, दो प्रकार के होते हैं, एक सरल सूक्ष्मदर्शी और एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये दो सूक्ष्मदर्शी होते हैं। और कल हमने डिटेल से पढ़ा था सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी को हमने डिटेल से पढ़ लिया था। आज हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को पढ़ने जा रहे हैं बेटा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सभी कॉपी पेन साथ लेकर बैठेंगे, साथ ही साथ लिखते रहेंगे ताकि नोट्स भी प्रिपेयर होते रहें। कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेटा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। देखिए, हमने जो सरल सूक्ष्मदर्शी कल पढ़ा था उससे हम क्या करते हैं कि पास स्थित निकट जो वस्तुएं हैं उनका बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। नजदीक की वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए ही हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, सूक्ष्मदर्शी को यूज करते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी कल हमने पढ़ा था, वो एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस ही, कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस ही एक सरल सूक्ष्मदर्शी होता है। केवल 16 स्टूडेंट है बेटा क्लास में, ठीक है। एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस ही सरल सूक्ष्मदर्शी होता है। उसकी जो आवर्धन क्षमता है, मैग्निफिकेशन पावर, यानी कि वो किसी भी वस्तु के साइज को अपने सामने कितना बड़ा दिखाता है, वो उसकी मैग्निफिकेशन पावर है। तो उसकी जो मैग्निफिकेशन पावर है वो 10 से कम होती है। मतलब 1 सेंटीमीटर की अगर कोई वस्तु है, सपोज एक सेंटीमीटर की अगर कोई वस्तु है तो सरल सूक्ष्मदर्शी से वो वस्तु हमें 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ी नहीं दिखेगी। यानी कि उसकी जो आवर्धन क्षमता है, मैग्निफिकेशन पावर है, वो 10 से कम होती है। वो एक कम मैग्निफिकेशन पावर है।
उसकी आवर्तन क्षमता कम है, क्योंकि बहुत ही छोटी बहुत ही सूक्ष्म आकार की जब वस्तुएं होगी तो उनका बड़ा प्रतिबिंब हम एक सिंपल माइक्रोस्कोप से प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें दो या दो से अधिक लेंसों को मिलाकर एक अच्छा सूक्ष्मदर्शी बनाना पड़ता है, जिसे हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, जिसमें दो लेंस होते हैं। बेटा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस होते हैं, ठीक है। दोनों लेंस, ये जो दोनों लेंस होते हैं वो एक दूसरे के अंदर धंसी हुई, ठीक है, सिंपल रूप से मैं बताता हूं, एक दूसरे के अंदर धंसी हुई, जैसे ये नली है, ये लीजिए, एक दूसरे के अंदर धंसी हुई ये नली है, इनके सिरों पर, इनके सिरों पर ऐसे लगे रहते हैं इस प्रकार से। यहां पर एक पेच होता है बेटा, यहां पर एक पेच होगा, इस पेच से ये जो नली है इसकी लंबाई को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है, इस लंबाई को, ये जो दोनों नलियों को हमने मिलाकर एक नली बनाई है इसकी लंबाई को कम ज्यादा करने के लिए यहां पर एक पेच होता है। तो इस पेच को जब घुमाएंगे तो नली एक दूसरे के अंदर खिसकती है, नली जब एक दूसरे के अंदर खिसकती है तो नली की लंबाई कम ज्यादा हो सकती है। तो नली की जो लंबाई है कम ज्यादा करने की इस पेच से जो व्यवस्था है इसको दंड चक्र व्यवस्था कहते हैं, इसका नाम होता है दंड चक्र व्यवस्था। दंड चक्र व्यवस्था से हम दोनों नलियों के बीच की जो लंबाई है वो कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इससे प्रतिबिंब कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। देखिए अभी मैंने बताया था कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस होते हैं बेटा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस होते हैं। इस प्रकार से देखिए, एक तो ये लेंस हो गया और एक लेंस ये हो गया, एक लेंस ये है, ठीक है, एक ये लेंस है जिसका नाम ओ लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, या इसको कहते हैं अभिदृश्यक लेंस, इसका नाम होता है ऑब्जेक्टिव लेंस या अभिदृश्यक लेंस। ये वस्तु की ओर होता है, ये दोनों की संयुक्त रूप से मुख्य अक्ष है, ये लीजिए, ये जो लेंस है वो आंख के पास होता है, इसको आई लेंस, आई पीस कहते हैं, या इसको नेत्रिका लेंस या अभिनेत्र लेंस इसको कहते हैं। ये दो लेंस हो गए, क्लियर है सभी को। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में इस प्रकार से दो लेंस होते हैं, ओ लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, जो वस्तु की ओर होता है, ऑब्जेक्ट की ओर है इसलिए ऑब्जेक्टिव लेंस, आई लेंस, नेत्रिका लेंस, आई पीस भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये आंख के पास, आई के पास होता है इसलिए इसको आई लेंस, ई लेंस कहते हैं। क्लियर है सभी को। ये ऑब्जेक्टिव लेंस एक कम फोकस दूरी का छोटे द्वारक का, कम फोकस दूरी का छोटे द्वारक का उत्तल लेंस होता है, जबकि ई लेंस, आई लेंस अधिक फोकस दूरी का और बड़े द्वारक का उत्तल लेंस होता है। दोनों ही उत्तल है, दोनों ही उत्तल है, ओ लेंस छोटा है, द्वारक छोटा है, फोकस दूरी कम है, जबकि ई लेंस, आई लेंस द्वारक बड़ा है, फोकस दूरी अधिक है, ठीक है। अब हम इसके द्वारक को दर्शाया, ये इसका द्वारक है, ये इसका प्रकाशी केंद्र O1, ठीक है, O लेंस का, ऑब्जेक्टिव लेंस का प्रकाशी केंद्र O1 से दर्शाया, ये E लेंस का द्वारक है और इसके प्रकाशी केंद्र को मैंने O2 से दर्शाया, O1 O2 इनके प्रकाशी केंद्र है। देखिए इसका एक फोकस यहां होगा, FO नाम दिया, इधर भी फोकस होगा, एफ ओ नाम दिया है, क्लियर है सभी को, और इसका फोकस एफ ई ये होगा, जितनी दूरी पर इधर है उतनी ही दूरी पर इधर भी इसका फोकस होगा, क्योंकि लेंस के दो फोकस होते हैं। देखिए पदाक्षर मैंने इधर ओ और ई पदाक्षर लगाए हैं,
ओ तथा ई पदाक्षर लगाए बेटा मैंने। ओ जो पदाक्षर है, एफ के पैरों में जो अक्षर है पदाक्षर, ओ का मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस, ये ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल पॉइंट है, ये आई लेंस के फोकल पॉइंट है, फोकस बिंदु है। क्लियर है सभी को? अब जिस वस्तु का प्रतिबिंब हमें प्राप्त करना है, जिस वस्तु का प्रतिबिंब हमें प्राप्त करना है उसको एफ ओ के आगे रखते हैं, एफ ओ के इसको आगे रखते हैं, यहां पर रखते हैं। ए बी अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है सूक्ष्म आकार की, जिसका प्रतिबिंब इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हमें प्राप्त करना है। देखिए ध्यान हमें यह रखना है कि ए बी कहां पर है, ए बी फोकस से इधर होनी चाहिए, फोकस के लेफ्ट में होनी चाहिए, फोकस के लेफ्ट में होनी चाहिए, क्योंकि अगर ए बी को फोकस और ओ के बीच रख दिया, ओ वन के बीच रख दिया, एफ ओ फोकस बिंदु और प्रकाशिक केंद्र के बीच रख दिया, तो इस ए बी का प्रतिबिंब फिर यही बन जाएगा, क्योंकि वस्तु जब फोकस और प्रकाशी केंद्र के बीच होती है तब प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है, तो वो यही बन जाएगा। हमें प्रतिबिंब इसका इधर बनाना है। क्लियर है? पहले अब ए बी का प्रतिबिंब बनाएंगे। ए बी का जो प्रतिबिंब है वो ओ लेंस से बनेगा, ऑब्जेक्टिव लेंस से बनेगा, नियमों से बनाना है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब नियमों से ही बनाएंगे। एक प्रकाश किरण ये है जो मुख्य अक्ष के समांतर गई, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के बाद कहां से जाती है, एफ से जाएगी, फोकस से जाएगी, और एक प्रकाश किरण ये है जो प्रकाशी केंद्र से गई है वो सीधी निकल जाएगी। ये लीजिए, ये दोनों प्रकाश किरणें, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर गई है ये वाली, ठीक है, और एक प्रकाशी केंद्र से गई है ये वाली। प्रकाशी केंद्र से जो प्रकाश किरण जाती है वो बिना विचलित हुए सीधी निकलती है, मुख्य अक्ष से समांतर गई अपवर्तन के बाद एफ ओ, इससे अपवर्तन हुआ है तो इसके फोकस एफ ओ से जाए, तो ए बी का प्रतिबिंब यहां दोनों अपवर्तित किरणें मिली है, तो ए बी का प्रतिबिंब ये प्राप्त हो गया हमें ए डैश बी डैश। ये लीजिए ए डैश बी डैश कौन है, ए बी का प्रतिबिंब है जो किसने बनाया है, ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश किसने बनाया, अभिदृश्यक ने बनाया, ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाया। अब ए डैश बी डैश इस लेंस के लिए, आई लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश इमेज है, ए बी की इमेज ए डैश बी डैश है जो किससे बनी है, किससे प्राप्त हुई है, ऑब्जेक्टिव लेंस से, अभिदृश्यक लेंस से। क्लियर हो रहा है ना सभी को? कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में जरूर लिखेंगे बेटा सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। वॉइस और वीडियो क्वालिटी के बारे में भी बेटा कमेंट लिख देना, कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो बता देना। वॉइस और वीडियो क्वालिटी कैसी चल रही है बेटा, सही है ना? क्वालिटी को इंप्रूव कर लेना बेटा ऑप्शन से, क्वालिटी को 480 या 720p पे चलाना बेटा, सही चलेगी। प्रियंका सारंग सब सही है, जाहिद गोदारा जी, गोविंद पायल सुथार, ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो ए बी का ऑब्जेक्टिव लेंस से प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन गया, ए डैश बी डैश ए बी की इमेज है, पर आई लेंस के लिए ये इमेज बिंब का काम करती है, वस्तु का, ऑब्जेक्ट का काम करती है, ए डैश बी डैश इसके लिए आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है। अब आई लेंस इसका प्रतिबिंब बनाएगा, वो अपना अंतिम फाइनल इमेज होगी, अंतिम प्रतिबिंब होगा। मेरी बात समझ गए ना? ए बी का प्रतिबिंब ओ लेंस ने बनाया ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का, वस्तु का, बिंब का कार्य करेगी, ए डैश बी डैश का अब हमें प्रतिबिंब बनाना है आई लेंस से, जो प्रतिबिंब बनेगा वो
फाइनल इमेज होगी, अंतिम प्रतिबिंब होगा। ध्यान एक चीज और रखनी है, पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि ए बी की स्थिति एफ ओ के लेफ्ट में हो, ए डैश बी डैश जो बनेगा वो एफ ई तथा ओ टू के बीच बनेगा। ये चीज भी ध्यान रखेंगे बेटा, क्योंकि हम दंड चक्र व्यवस्था से ओ और ई के बीच की दूरी को कम ज्यादा कर सकते हैं। वो कम ज्यादा हम इसीलिए करते हैं ताकि हम ए डैश बी डैश की स्थिति को सही जगह प्राप्त कर सके। ए डैश बी डैश ए बी की जो इमेज है वो एफ ई तथा ओ टू के बीच बननी चाहिए। ध्यान रखेंगे बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि ए डैश बी डैश कहां होना चाहिए, एफ ई तथा ओ टू के बीच होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तब हम दंड चक्र व्यवस्था से इसको एडजस्ट कर देंगे, समंजन बोलते हैं उसको, ठीक है ना, एडजस्ट कर सकते हैं इसको, क्लियर है। अब इसकी इमेज बनाएंगे, वही चीज देखिए, वस्तु कहां है, ए डैश बी डैश फोकस और प्रकाशी केंद्र के बीच है। जब उत्तल लेंस के लिए वस्तु फोकस और प्रकाशी केंद्र के बीच होती है, जब वस्तु फोकस और प्रकाशी केंद्र के बीच होती है तब प्रतिबिंब सीधा परंतु काल्पनिक बनता है। वस्तु नीचे है, ऑब्जेक्ट नीचे है तो इमेज भी नीचे होगी, तब वो सीधा कहलाएगा। ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है तो इमेज भी ऊपर होगी, तब वो सीधा कहलाएगा, परंतु काल्पनिक होगा। काल्पनिक होगा मतलब प्रकाश किरणें आगे पीछे बढ़ाने पर अपने आप नहीं मिलेगी, काल्पनिक रूप से मिलेगी, पीछे बढ़ाने पर मिलेगी। आगे की तरफ जब जाएगी तो नहीं मिलेगी, पीछे बढ़ाएंगे तब मिल जाएगी, काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। तो वही रूल्स, वही नियम, एक प्रकाश किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर गई, यहां से ये लीजिए, ये मुख्य अक्ष और इसके समांतर ली गई। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली कहां से जाएगी, एफ ई से जाएगी, ये लीजिए एफ ई से चलेगी। और एक प्रकाश किरण O2 से ले जाओ, ये लीजिए O2 से भी। अब देखो एक प्रकाश किरण तो ये गई है O2 से, वो इधर गई, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तन के बाद एफ ई से गई। इनको अगर आगे बढ़ाते हैं तो इस दिशा में तो ये कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि इस दिशा में आगे जब बढ़ेगी तो बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जाएगी, प्रकाश किरणें इधर नहीं मिलेगी, तो इस तरफ तो प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा। इधर पीछे बढ़ाओ काल्पनिक रूप से, ठीक है, बढ़ा देना बेटा जहां भी मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लीजिए पीछे बढ़ाया, यहां पर दोनों प्रकाश किरणें मिल गई, तो ये लीजिए शानदार जानदार अंतिम इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश, ये फाइनल इमेज है, अंतिम प्रतिबिंब है। समझ में आया या नहीं है बताओ, बहुत आसान है, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ए बी, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज ए डैश बी डैश, ई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश और ई लेंस के लिए इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश। नियमों से काम किया है, प्रकाश किरणें दो ही ले रहे हैं, दो ही किरणों से प्रतिबिंब बना रहे हैं। एक प्रकाश किरण तो हम मुख्य अक्ष के समांतर ले जा रहे हैं और दूसरी प्रकाश किरण को प्रकाशी केंद्र से गुजार रहे हैं। जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी सॉरी वो अपवर्तन के बाद फोकस से निकलेगी, और जो प्रकाशी केंद्र से जाएगी वो बिना विचलित हुए जाएगी, ठीक है। अब हम डिस्टेंसेज, दूरियों के नाम देंगे, ठीक है, दूरियों के नाम देना बहुत आसान है, ठीक है। फोकस दूरियों का नाम तो एफ से देते हैं, स्मॉल एफ से। ऑब्जेक्ट की जो दूरियां होती है उनको यू से लिखेंगे, और इमेज की जो डिस्टेंसेज है उनको वी से लिखेंगे, वी फॉर वैन। ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ए बी ऑब्जेक्ट है, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए,
तो इस डिस्टेंस को हमने नाम दे दिया यू ओ। ये लीजिए, क्लियर है सभी को? ए डैश बी डैश इसके लिए क्या है? इमेज है, तो नाम दे दिया वी ओ। ठीक है, यू ओ ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट, वी ओ ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज। अब ए डैश बी डैश इस लेंस के लिए, आई लेंस के लिए क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो नाम दे दिया यू ई, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम नाम देते हैं यू से, यू ई लिख दिया। आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की दूरी, और ये इमेज है किसकी? आई लेंस की, नाम दे दिया वी ई। ये लीजिए, इधर अपनी आंख, आंख किधर होगी? इस तरफ, आई लेंस की तरफ आंख होगी। इधर से ऑब्जर्वर इमेज को देखेगा, ये ऑब्जर्वर की आंख है, इधर से देखेगा, तो यहां पर एक एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल। ये अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण है, इसका नाम है बीटा। अंतिम प्रतिबिंब ने आंख पर जो कोण बनाया वो बीटा है। और जब वस्तु स्पष्ट दूरी की, स्पष्ट दृष्टि की, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होती है, डी दूरी पर होती है, तो आंख पर बना कोण अल्फा। यहां पर आंख है, ये दोनों इमेज बनाएंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी ने भी ये काम किया था, ये इमेज है, इसको बिना लेंस से देखा। ए बी अपने पास ऑब्जेक्ट है, ए बी ऑब्जेक्ट है, इस ए बी को बिना लेंस से देखा तो आंख पर बना कोण अल्फा है। छोटा है तो वस्तु हमें छोटी दिखाई देगी। दर्शन कोण, आंख पर बनने वाला कोण, दर्शन कोण छोटा है तो वस्तु छोटी। और जब इस सूक्ष्मदर्शी से देखा तो आंख पर बनने वाला, इसने इमेज ये बना ली, इसके द्वारा आंख पर बना कोण बीटा है, ये बड़ा हो गया तो हमें वस्तु बड़ी दिखाई। ये बिना लेंस से देखा, बिना सूक्ष्मदर्शी से देखा ए बी को, इसी ए बी को सूक्ष्मदर्शी से देखा तो कोण बीटा। अब हम पढ़ेंगे, यहां तक सभी को क्लियर हुआ या नहीं हो गया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। सभी को समझ में आ रहा है ना? कोई किसी का भी क्वेश्चन हो बेटा जरूर लिखिए। आगे बढ़े बेटा, हम आगे बढ़ते हैं, आवर्धन क्षमता पढ़ेंगे बेटा। अब हम पढ़ते हैं आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन पावर। स्मॉल एम से लिखेंगे, आवर्धन क्षमता को हम लिखते हैं स्मॉल एम से। ठीक है, वही फॉर्मूला है कल जो पढ़ा था सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए, क्या था? अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, बटा में क्या आएगा? जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है तो आंख पर बना दर्शन को। अंतिम प्रतिबिंब ने आंख पर जो दर्शन कोण बनाया है उसका, और जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होती है उस समय आंख पर बना दर्शन कोण, ये अनुपात, इन दोनों कोणों का अनुपात आवर्धन क्षमता है। अंतिम प्रतिबिंब ने आंख पर क्या कोण बनाया? बीटा। और जब वस्तु डी दूरी पर है तब आंख पर बना कोण अल्फा। बीटा अपॉन अल्फा को हम कहते हैं आवर्धन क्षमता, बीटा अपॉन अल्फा को हम कहते हैं आवर्धन क्षमता। अब बीटा और अल्फा निकालने हैं, तो बीटा के लिए टेन बीटा लेंगे,
ठीक है, टेन बीटा कौन से त्रिभुज से आएगा, देखो ए डैश बी डैश ओ टू, ये ओ टू है बेटा, इसको मैं यहां लिख रहा हूं ओ टू, ए डैश बी डैश ओ टू ये त्रिभुज है, इससे टेन बीटा निकाल लीजिए, टेन ऑफ बीटा लंब बटा आधार, बीटा के लिए लंब ये वाला ए डैश बी डैश और आधार ये वाला ए डैश ओ टू, क्लियर है सभी को, टेन बीटा का मान आ गया। यदि बीटा स्मॉल है, यदि बीटा अत्यल्प है बहुत छोटा है तो टेन बीटा नियरली इक्वल टू बीटा, अगर बीटा बहुत ही छोटा है तो टेन बीटा को हम बीटा लिख सकते हैं, तो बीटा बराबर कितना आ गया ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ओ टू, ये लीजिए ये अपने पास बीटा की वैल्यू आ गई। अब हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, अल्फा की वैल्यू निकालनी है त्रिभुज ए बी ई से, त्रिभुज ए बी ई से दिखाई दे रहा है ना बेटा सभी को, दिखाई दे रहा है क्या बेटा सभी को स्पष्ट, ठीक है बेटा, टेन अल्फा वाली साइड में कम दिखाई दे रहा है, ठीक है इसको हम यहां से हटा रहे हैं बेटा, टेन अल्फा, अल्फा का मान यहां नहीं निकालना मैं, यहां पर निकाल रहा हूं, ठीक है अल्फा की वैल्यू यहां लिख रहा हूं बेटा मैं, त्रिभुज ए बी ई से यहां लिखा मैंने, टेन अल्फा निकालेंगे हम बेटा, अल्फा चीज ले टेन अल्फा, इस अल्फा के लिए ये लंब ए बी और आधार ए ई, ये लीजिए वही चीज, अल्फा स्मॉल है बहुत छोटा है तो टेन अल्फा का मान अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा बराबर ए बी अपॉन ए ई, ये लीजिए अल्फा भी आ गया और बीटा भी आ गया, अल्फा और बीटा दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन वन में, ठीक है यहां पर, तो m बराबर बीटा का मान लिखिए a डैश b डैश अपॉन a डैश o2, ये बीटा की वैल्यू पुट कर दी यहां से, अल्फा की वैल्यू ए बी अपॉन ए ई, ए बी अपॉन ए ई, ये लीजिए ये बीटा और ये अल्फा की वैल्यूज पुट कर दी, हल कर देंगे बस इसको, तो m बराबर इसको लिख दिया देखो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी और ए ई, अपॉन ए डैश ओ टू, देखना बेटा कोई एरर ना आ जाए बेटा बीच में लिखने में, कोई भी ऊपर नीचे ना लिखते हम, ठीक है ना, क्योंकि इस चीज को मैं पलट दूंगा तो ए बी तो नीचे रह जाएगा, ए ई ऊपर चला जाएगा, ए डैश ओ टू नीचे आ जाएगा, ये लीजिए ये अपने पास इक्वेशन नाम दे दिया इसको दो नंबर, इसको इक्वेशन टू नाम दिया है, क्लियर है यहां तक सभी को, अब हम इसको आगे हल करेंगे, सभी वैल्यूज पुट करेंगे हम, सभी जो इसमें मान आए हैं जो भी यहां आया है लिखा हुआ उसके वैल्यू को पुट करेंगे, देखिए ए डैश बी डैश तो ये है, ये ए डैश बी डैश है, इसकी अपने पास हाइट नहीं है, ए बी की भी अपने पास हाइट नहीं है, तो ए डैश बी डैश और ए बी के मान तो हम लिख नहीं सकते, पर ए ई की वैल्यू है अपने पास, ए ई का मान देखो ये रहा ए ई, कितना लिखूं इस मान को बताओ, प्रकाश तो इधर जा रहा है हम इधर जाके माप रहे हैं, तो ए ई का मान हम माइनस डी लिखेंगे चिन्ह परिपाटी से, और ए डैश ओ टू देखो बेटा ए डैश ओ टू, ये ए डैश ओ टू प्रकाश इधर जा रहा है हम इधर जाके मापेंगे, ए डैश ओ टू कितना है, कितना है ए डैश ओ टू यूई, तो इसको माइनस यूई नाम दिया है, तो अपने पास दो
वैल्यूज थी AE और A'O2, इन वैल्यूज को पुट कर दो समीकरण दो में, तो आवर्धन क्षमता M बराबर A'B' अपॉन AB और AE का मान माइनस D अपॉन माइनस UE, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो A'B' अपॉन AB और D अपॉन UE, ये लीजिए इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, तीन। अभी A'B' अपॉन AB के मान बाकी हैं, इन वैल्यूज को और पुट करना है हमें, तब अपने पास आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। A'B' अपॉन AB की वैल्यू चाहिए। अब देखो A'B' अपॉन AB की वैल्यू कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। A'B' ये वाला A'B' और ये वाला AB, देखो दो त्रिभुज है बेटा, मैं छायांकित करता हूं इनको, एक तो ये त्रिभुज है, इसको मैंने छायांकित किया है बेटा ताकि सभी को नजर आ जाए, एक तो ये त्रिभुज है और एक ये वाला त्रिभुज है बेटा, इसको भी मैंने छायांकित किया है, इनको छायांकित बस इसलिए कर रहा हूं ताकि ये आप लोगों को नजर आ जाए, बाकी कोई औचित्य नहीं है, एग्जाम में आप लोगों को छायांकित नहीं करना है इस प्रकार से। ये लीजिए नजर आ गई सभी को, ABO1 और A'B'O1, देखो दोनों ही समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला राइट एंगल है और इसमें ये वाला राइट एंगल है, और जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं वो सभी क्या होते हैं, समरूप होते हैं, यानी कि त्रिभुज A'B'O1 तथा त्रिभुज AB O1, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज A'B'O1 और AB O1 कैसे हैं, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ठीक है, ये दोनों समरूप हैं। समरूप क्यों है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज सभी समरूप होते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो ये वाला कोण इसका और ये वाला कोण इसका बराबर होंगे, वर्टिकल अपोजिट है, ये इसका 90 और ये इसका 90, दो कोण इसके और दो कोण इसके आपस में बराबर है, तो डबल ए कसौटी हो गई, डबल ए कसौटी का हो तो ट्रिपल ए कसौटी भी बोल सकते हैं उसको, तो ट्रिपल ए कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप है, और समरूप त्रिभुजों की क्या खास बात होती है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। समरूप त्रिभुजों की क्या खास बात होती है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, जैसे इसकी भुजा A'B' ली, इसकी A'B' O1 की, इस त्रिभुज की भुजा मैंने A'B' ली है, तो इसके संगत इसकी भुजा कौन है, AB है, शाबाश, A'B' के संगत AB, और ये संगत भुजाओं का अनुपात, इसकी भुजा ली मैंने O1A' इसकी भुजा ली, तो इसकी कौन सी भुजा ली जाएगी, O1A' के संगत, इसकी तो O1A' और इसकी O1A संगत है, तो इसका इसके साथ अनुपात बराबर, इसका इसके साथ अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, A'B' के संगत AB है, O1A' के संगत O1A है, हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए थी इसलिए ये काम किए हमने, क्योंकि हमें A'B' अपॉन AB चाहिए, तो A'B' अपॉन AB का मान O1A' अपॉन O1A आ गया, O1A' कितना है, देखो A'B' अपॉन AB O1A' ये है O1A' कितना है, ये VO, इसकी जगह मैंने लिख दिया VO, O1A
O1A इधर आके मापेंगे तो माइनस में, और कितना है इसका मान, माइनस UO, VO अपॉन माइनस UO। ये इक्वेशन चार आ गई, फोर से वैल्यू को पुट कर दीजिए किसमें, तीन में, A डैश B डैश अपॉन AB का मान। तो M बराबर आवर्धन क्षमता आ चुकी है, माइनस VO अपॉन UO, VO अपॉन UO और माइनस है साथ में, और ब्रैकेट में D अपॉन U। ये लीजिए, ये आ गई अपने पास आवर्धन क्षमता, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला आ चुका है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला M बराबर माइनस VO अपॉन UO और D अपॉन UE। देखिए एक चीज यहां स्पष्ट कर देता हूं कि अगर आवर्धन क्षमता का अंतिम फॉर्मूला जैसे ये है इक्वेशन पांच, ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का एक सामान्य व्यापक फॉर्मूला है और कंडीशन के हिसाब से बदल सकते हैं, पर ये एक सामान्य आवर्धन क्षमता का सूत्र है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए, पर आवर्धन क्षमता ऋणात्मक है। ये बात ध्यान रखेंगे कि अगर आवर्धन क्षमता ऋणात्मक है तो इसका अर्थ यह है कि अंतिम प्रतिबिंब उल्टा है। यह था ऑब्जेक्ट ए बी, इसके सापेक्ष ए डबल डैश बी डबल डैश उल्टा है। जब अंतिम प्रतिबिंब उल्टा होगा तो आवर्धन क्षमता कैसी प्राप्त होगी, नेगेटिव प्राप्त होगी। ये चीज ध्यान रखेंगे, अगर आवर्धन क्षमता ऋणात्मक है, यदि आवर्धन क्षमता ऋणात्मक है तो इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ यह है कि अंतिम प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है। क्लियर हुआ सभी को, अंतिम प्रतिबिंब के उल्टा होने पर आवर्धन क्षमता नेगेटिव प्राप्त होती है, जो कि यहां पर प्राप्त हुई है। ठीक है, आवर्धन क्षमता होगी। अब हम दो कंडीशन लेंगे, दो अलग अलग कंडीशन लेंगे और उसमें आवर्धन क्षमता ज्ञात करेंगे। यह सामान्य फॉर्मूला है आवर्धन क्षमता का, आवर्धन क्षमता का सामान्य फॉर्मूला तो आ चुका है इक्वेशन पांच में। ठीक है, इसको मैं यहां लिख करके रखता हूं, काम आएगा ये हमें बार बार, माइनस वीओ अपॉन यूओ और डी अपॉन यूई। ये लीजिए, ये आवर्धन क्षमता का सामान्य सूत्र है, इक्वेशन पांच नाम दे रखा है इसको। ये चीज ध्यान रखेंगे बेटा, दिखाई दे रहा है ना सभी को, बोर्ड पर स्क्रीन पर आ रहा है ना सभी की, ठीक है बेटा। तो ये अपने पास आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला आया। एक चीज ध्यान रखेंगे बेटा, अगर आवर्धन क्षमता ऋणात्मक है तो घबराना नहीं है, अगर आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला नेगेटिव आ जाए, आवर्धन क्षमता ऋणात्मक आ जाए तो घबराने की बात नहीं है। आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होने का मतलब क्या है, अंतिम प्रतिबिंब उल्टा है। अंतिम प्रतिबिंब जब उल्टा होगा तो स्मॉल एम की वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, अब हम कंडीशन लेते हैं बेटा, कंडीशन वन, कंडीशन लेते हैं बेटा हम, दो कंडीशन लेंगे, कल भी ली थी हमने दो कंडीशन सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए, आज भी लेंगे दो कंडीशन। पहली कंडीशन, कंडीशन वन, स्थिति वन, जब अंतिम प्रतिबिंब, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ये लीजिए, ये पहली कंडीशन कि फाइनल इमेज जो है, अंतिम प्रतिबिंब जो है वो कहां पर बनता है, अनंत पर। फाइनल इमेज ये है, ये इमेज अनंत पर कब बनेगी, उत्तल लेंस के लिए प्रतिबिंब अनंत पर कब बनता है, जब वस्तु कहां पर, वो बताओ, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर कब बनेगा,
जब वस्तु कहां पर है बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे बेटा, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर कब बनेगा, जब वस्तु कहां पर होगी। शाबाश रूबी ने फर्स्ट, पूजा ने भी जवाब दिया है फोकस पर। जब वस्तु फोकस पर होगी तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो वस्तु अंतिम प्रतिबिंब तो ये है, ठीक है, और वस्तु कौन सी है, ए डैश बी डैश है। ए डैश बी डैश कहां पर होनी चाहिए, अनंत, सॉरी फोकस पर होनी चाहिए, तो ए डबल डैश बी डबल डैश अनंत पर होगा। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, अनंत पर बनने के लिए वस्तु का, वस्तु कहां होनी चाहिए, फोकस पर। वस्तु कहां होनी चाहिए, फोकस पर। अब अंतिम प्रतिबिंब ये है, वस्तु तो ये है, ये फोकस पर होनी चाहिए, किसके फोकस पर, अभिनेत्र लेंस के फोकस पर, आई लेंस के फोकस पर होनी चाहिए, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब इसने बनाया है। तो ये जो डिस्टेंस है ए डैश ओ टू या यूई, यूई की जगह, यूई की जगह हम एफ ई लिख देंगे बस, ठीक है ना, यूई के स्थान पर एफ ई लिख दो बस। यूई कौन है, ऑब्जेक्ट की दूरी, ठीक है, प्रकाशी केंद्र से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी कर दी, एफ ई के बराबर, यानी कि फोकस पर। जब वस्तु फोकस पर ए डैश बी डैश फोकस पर बनेगा तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। इसलिए एम का फॉर्मूला आवर्धन क्षमता क्या बन जाएगी, देखो माइनस वी ओ अपॉन यू ओ, और डी अपॉन यूई के स्थान पर, यूई के स्थान पर एफ ई लिख देंगे बस, यूई की जगह एफ ई लिख दिया। ये लीजिए आवर्धन क्षमता आ गई कंडीशन वन में। कंडीशन टू जब अंतिम प्रतिबिंब डी दूरी पर बने, कैपिटल डी दूरी पर बने। देखिए डी दूरी यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनना चाहिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनना चाहिए। तब लेंस सूत्र क्या कहता है बताओ, लेंस सूत्र एक बटा एफ बराबर एक बटा वी माइनस एक बटा यू। अब लेंस सूत्र हम उसके लिए लगाएंगे जिसने अंतिम प्रतिबिंब बनाया है। अंतिम प्रतिबिंब किसने बनाया, ऑब्जेक्टिव लेंस ने नहीं बनाया, आई लेंस ने बनाया, तो आई लेंस के लिए लेंस सूत्र लगाएंगे, ठीक है। अंतिम प्रतिबिंब डी दूरी पर बनना चाहिए, यानी कि वी का जो मान है, वी का मान वी ई, ठीक है, इस सबके पैरों में मैं ई लिख देता हूं, सबके पैरों में मैंने क्या लिख दिया, वी लिख दिया, ई लिख दिया, सॉरी, सबके पैरों में मैंने ई लिख दिया, क्योंकि आई लेंस के लिए लगा रहे हो, आई लेंस के लिए लेंस उत्तर लगाएंगे, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब कौन बना रहा है, अभिनेत्र लेंस, ई लेंस, आई लेंस बना रहा है। तो वीई का मान, वीई प्रतिबिंब की दूरी कितनी होनी चाहिए, माइनस डी, इधर मापेंगे प्रतिबिंब को, यहां से मापेंगे, इधर मापेंगे, प्रकाश इधर जाएगा, हम इधर आएंगे, तो माइनस डी, क्लियर है सभी को। और यू बराबर वी का मान तो हो गया यूई बराबर माइनस यूई, वस्तु की दूरी को माइनस यूई, और एफ ई की जगह एफ ई रख देंगे, उत्तल की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, उत्तल लेंस की फोकल लेंथ, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव, तो एफ ई की जगह एफ ई लिखा, तो क्या बन गया, देखो एक बटा एफ ई, एक बटा माइनस डी, और माइनस एक बटा माइनस यू। ये बात समझ में आई क्या सभी को, क्लियर है सभी को, ठीक है, इसको हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको लिख दिया वन अपॉन एफ ई बराबर, वन अपॉन एफ ई बराबर वन अपॉन माइनस डी
प्लस वन अपॉन यू ई, ये लीजिए क्लियर है, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो गए और कुछ नहीं किया। डी से मल्टीप्लाई कर दो, डी से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी समीकरण को, तो डी अपॉन एफ ई बराबर डी अपॉन माइनस डी प्लस डी अपॉन यू ई। तो यहां से डी अपॉन यू ई बराबर कितना आ गया, डी से डी कट गया माइनस एक इधर आ गया एक प्लस डी अपॉन एफ ई, ये लीजिए ये किसकी वैल्यू आ गई, डी अपॉन यू ई की वैल्यू आ गई। डी अपॉन यू ई की वैल्यू इक्वेशन पांच में रख दो तो एम का फॉर्मूला आ जाएगा, डी अपॉन यू ई की वैल्यू को इक्वेशन पांच में रखेंगे तो वीओ अपॉन यूओ और वन प्लस डी अपॉन एफ, ये लीजिए आवर्धन क्षमता आ गई जब अंतिम प्रतिबिंब डी दूरी पर बने। सभी को समझ में आया क्या? तो हमने अलग अलग स्थितियों में आवर्धन क्षमता को ज्ञात कर लिया। पहली कंडीशन जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तब तो UE की जगह केवल एफ ही किया, और जब अंतिम प्रतिबिंब कैपिटल डी दूरी पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब आवर्धन क्षमता एम बराबर माइनस वीओ अपॉन यूओ वन प्लस डी अपॉन एफ ही। लय सूत्र से निकाल ली, लय सूत्र आई लेंस के लिए लगाना है क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब किसने बनाया, आई लेंस ने, तो लेंस उत्तर भी आई लेंस के लिए लगाएंगे। आई लेंस के लिए जब लगाएंगे तो पदाक्षर ई कर देंगे, बस क्लियर है सभी को। एक चीज और पढ़नी है इसके अंदर, हमें इसमें एक चीज और पढ़नी है, वो है ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ पढ़ेंगे हम बेटा, ट्यूब लेंथ, ट्यूब लंबाई कहते हैं, ट्यूब लंबाई क्या होती है बेटा, ई लेंस व ओ लेंस, ई लेंस व ओ लेंस के बीच की दूरी, ई लेंस व ओ लेंस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम, ट्यूब लेंथ, ट्यूब लंबाई कहते हैं। तो ये ओ लेंस है, ये ई लेंस है, बीच की दूरी, ट्यूब लंबाई को एल से लिखेंगे, बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ओ वन ओ टू हो जाएगी। ओ वन ओ टू मतलब ये दूरी है वीओ प्लस यूई, वीओ प्लस यूई, मॉड्यूलस लेना है बस ये ध्यान रखेंगे, ये लीजिए ये ट्यूब लेंथ हो गई वीओ प्लस यूई, वीओ प्लस UE को हम क्या कहते हैं, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, तो यहां से यहां तक VO और यहां से आगे UE, तो VO प्लस UE की दूरी को हम लेंगे ट्यूब लेंथ लेंगे, पर ध्यान रखेंगे ट्यूब लंबाई है, ट्यूब की लंबाई नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए हम VO और UE दोनों को पॉजिटिव लेंगे, ध्यान रखेंगे ट्यूब लंबाई पर आधारित भी न्यूमेरिकल आया हुआ है। 2015 के एग्जाम में एक बहुत ही आसान सा प्रश्न था इस पर आधारित कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की ट्यूब लेंथ ज्ञात कीजिए, तो उसमें वीओ और यूई दोनों वैल्यूज दी हुई थी, दोनों मान दिए थे, केवल उन दोनों को जोड़ना था, बस इतना सा काम करना था, एक नंबर का छोटा सा प्रश्न था और तुरंत एक नंबर हम प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई भी नंबर कटने की संभावना ही नहीं है, ये सात है ये दो है तो जोड़ दिया तो नो आंसर है, तो एक नंबर पक्का है, श्योर है, कोई नहीं रोक सकता। तो आज हमने बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी अपने सिलेबस में दो थे, दोनों हमने पढ़ लिए, सिंपल माइक्रोस्कोप सरल सूक्ष्मदर्शी और कंपाउंड माइक्रोस्कोप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। उम्मीद है सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, मैं जवाब जरूर ले दूंगा उसका, ठीक है। अब अंतिम 30 सेकंड का समय है, सभी चैट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिख देंगे, ठीक है। कल फिर मिलेंगे हम शाम को 8 बजे, आज किसी कारण से मैं थोड़ा लेट हो गया था, पर कल हम सही समय शाम को 8 बजे जरूर क्लास लेंगे। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, फिजिक्स को
पढ़ते रहिए। सभी को गुड नाइट, सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत। अंतिम 30 सेकंड है बेटा, सभी अपना नाम चैट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। धन्यवाद बेटा।